अब हो गया ठीक है। सपोज ये हमारे पास में रिंग है, ओके ये इसका सेंटर है, एक ये हमने लाइन बना दी, एक ऐसे बना दी लाइन बस, ठीक है रेडियस। एक हमने एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा और इस एंगल को भी बोल दिया थीटा, और ये एंगल बहुत छोटा एंगल है। तो बताओ इस एलिमेंट की बात करते हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं, छोटा एलिमेंट। अब देखो इस एलिमेंट पे जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ की तरफ है ना, लगाएगा फोर्स एंड टेंशन टी, भाई हमेशा अलोंग द लेंथ लगता है ना, याद है? यस और क्या, और जो कहते हैं सर्कमफेरेंस का जो होता है अलोंग द लेंथ, वो क्या बन जाता है, टेंजेंट। सिमेट्री से बोल सकता हूं कि इसका फोर्स यहां की तरफ लगेगा, टेंशन टी, राइट। अगर यस ये सर। पार्ट पार्ट यहां पे ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का सर वेलोसिटी, टेंशन होगा ये कैसे बताएं हम? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा फिर? अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो कहते सेंटर की तरफ होना चाहिए ना फोर्स। हाँ तो देखो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो पार्ट बना है, छोटा सा जो पार्ट बना है, इसका यहाँ की तरफ वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, ओमेगा इंटू आर, हमें होना चाहिए ना ओमेगा इंटू आर, यस ओके बस ठीक है। अब मैं फोर्सेस से कंपोनेंट कर लेता हूँ, क्या इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? नहीं। नो सर। तो मतलब कि इसका जो है टेंजेंशियल फोर्स, जो यहाँ की तरफ जो फोर्स लगेगा, उसका रिजल्टेंट तो जीरो होना चाहिए। तो और ये मैंने कर दिया वर्टिकल, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा, इसका भी इधर क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा। देखो टेंजेंशियल तो हमारा कितना हो गया, जीरो हो गया ना, यहाँ से ये लग रहा है और यहाँ से ये लग रहा है। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर वाले की, इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा, इसका भी क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। देखो ये जो फोर्स हैं, ये वाले दोनों, ये तुम्हारे वेलोसिटी के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों फोर्स किसका काम करेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रीपेटल सर, तो हम लिखेंगे कितना फोर्स लग रहा पर है, वो टू सेंटर टी की तरफ कहाँ है? तभी तो बोल रहे हैं ना कि ये जो एलिमेंट है बहुत छोटा है, अगर ये जो एलिमेंट है ये अप्रोक्सीमेटली इतना सा एलिमेंट है बस, तो ये जो लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली वही है, थीटा बहुत छोटा ओके है, थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा। हाँ डी थीटा, ठीक है। तो ये बन गया टू टी। सपोज इसका जो मास है, वो मैंने छोटा मास ले लिया डीएम, इसका मास ये जो है ना हमारा एलिमेंट, इसका मास एकदम छोटा सा मास है, डीएम मास है, ओके। तो क्या क्या होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, मास इंटू अपने बी ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर आर, या तो सर, तो अपना बी हमने स्क्वायर, थीटा को भी डी थीटा क्यों नहीं लिया? हाँ लिखेंगे ना अभी। तो तुमको याद है जब मैंने तुमको ये कराए थे अपने कैलकुलस, तो मैंने कहा था इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इक्व अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, बताया था जब हमने वो किए थे कैलकुलस में, साइन थीटा का वो किया था डिफरेंशिएशन डिराइव किया था, किया था हमने, यस सर, तो वो पास है फॉर्मूला ना, डिराइव किया हाँ। तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा, कब, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं साइन थीटा को क्या लिख दूंगा, थीटा, तो टू टी इंटू थीटा। अब मैं मास की बात करता हूँ, मुझे पूरा रिंग का मास पता है और मुझे इतने का मास निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड। तो था। अगर मेरे पास में 2 पाई आर लेंथ है, तो उसका मास कितना है, एम, बताओ इसका लेंथ कितना है, ये आर्क लेंथ है, और ये हमारा कंप्लीट एंगल कितना बन गया, टू थीटा 2 थीटा, तो उसका आर्क लेंथ कितना आएगा, 2 थीटा इंटू आर, इसका मास कितना बन जाएगा, एम अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 इंटू थीटा इंटू आर, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, डीएम कितना बन जाएगा,
एम अपॉन टू से टू गया, आर से आर गया, तो हाँ भाई एम बाई पाई थीटा थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इस थीटा से ये भी गया, तो यहां से अपना टेंशन का वैल्यू कितना बन जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू पाई, ये हमारे पास में टेंशन आ गया। तो यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है कि एलिमेंट हेलो यस सर तो इसको एलिमेंट एन लेना बोलते हैं कि पूरे सिस्टम को छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर कैसे हम करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे अगर सपोज तुम्हारे पास में एक ये है और लेंथ है एक, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है लीनियर ऑब्जेक्ट का, दैट हैज ओनली लेंथ। तो सपोज यहां से यहां तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है एक्स, तो अगर मैं छोटा सा एक एलिमेंट लेऊंगा यहाँ पे ये, तो इस एलिमेंट को मैं क्या बोलता हूँ dx, मतलब ये छोटा सा एलिमेंट ऑफ लेंथ। वैसे ही मैं बात करता हूं एंगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिंग, ये हमारे पास है ना सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो ये लो, तो इसमें जो एलिमेंट होता है वो ऐसे आता है ये एंगल तुम्हारे पास में थीटा, तो स्मॉल एंगल कितना बन जाएगा डी थीटा। ये डिस्टेंस अगर आर है, इसका रेडियस अगर आर है, तो ये जो तुम्हारे पास में बनेगा लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ, तुमको अगर रेडियस दिया हुआ है आर, तुमको एंगल कितना दिया हुआ है डी थीटा, तो ये जो एलिमेंट बनेगा ये क्या बन जाएगा आर इंटू डी थीटा। पता है ना आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन एंड रेडियस क्या होता है एंगल। यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी है डी थीटा, हमको पता है कि आर्क अपॉन एंड रेडियस क्या होता है एंगल, और एंगल हमारा कितना है छोटा सा एंगल है डी थीटा, तो आर्क लेंथ क्या बन जाएगा आर इंटू डी थीटा। इस एलिमेंट को बोलते हैं एंगुलर एलिमेंट, एंगुलर एलिमेंट। इसको क्या बोल दिया लीनियर एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने एंगुलर एलिमेंट लिया था ना डी थीटा के फॉर्म में, या तो उसको थीटा लिख दो डी थीटा लिख दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ भी बताओ ये आया समझ में सबको, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। यस सर। घर पे जाके एक काम करना, रिंग लेना कोई और उसको अपने फिंगर के अंदर डाल के सर्कुलर मोशन कराना, तुमको अपने आप फील हो जाएगा कि उसके अंदर कैसे टेंशन आता है, और आना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या सर्कुलर मोशन कैसे होगा। ये जो दोनों कंपोनेंट थे ये सेंट्रीब्यूटल फोर्स का काम कर रहे थे, तो जब सेंट्रीब्यूटल फोर्स का काम करोगे तो कोई ना कोई फोर्स तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट मूव इन ए सर्कुलर मोशन। सर हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या कराया था? मैंने क्या कराया था, ये करवाया था। अच्छा ये वाला, हाँ इतना हो गया था ना। हाँ सर। हाँ इसके बाद तो कुछ नहीं कराया, बकवास कर रहा था। चलो ओके सर्कुलर मोशन खत्म, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, और कर लो भाई अभी जो चैप्टर आएगा ना वर्क पावर एनर्जी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, ये अगर नहीं आया तो sir. आगे वाला कोई चैप्टर नहीं आएगा। बेटा आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलो सर। वो रिंग वाले क्वेश्चन में टी अलग अलग साइड में कैसे है वो नहीं समझा भाई। एक बात बताओ, ये हमारे पास में रिंग है, ठीक है, मैंने तुमको पहले से क्या बोला भाई कि कोई भी फोर्स तुम्हारे पास में कैसा लगता है, टेंशन फोर्स कैसा होता है बताओ। टेंजेंशियल। और मैं हमेशा कैसा लगता है, अलोंग द लेंथ लगता है ना, है ना। ओके तो मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, ये वाला एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा, अब मुझे इसका एफबीडी बनाना है। क्या मतलब होता है एफबीडी का, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, तो इस पॉइंट पे कौन फोर्स लगाएगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी,
ये पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट है बी डैश। पॉइंट ए पे फोर्स कौन लगाएगा? पॉइंट ए डैश, और कहां की तरफ लगाएगा? अलोंग द लेंथ, ठीक है। पॉइंट बी के ऊपर ये लगाएगा बी डैश, कहां की तरफ लगाएगा? अपने अलोंग द लेंथ, ये लग गया। अब इसके मैंने कंपोनेंट कर लिए दो, जो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे ये वाले, वो तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट, उन दोनों ने अपने आप को बैलेंस कर दिया। लेकिन जो यहां कंपोनेंट आए, ये दोनों क्या हुए? अपने एड अप हो गए, और इन दोनों ने मिलके ही उस पॉइंट को सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, जैसा हमने यहां पे लिखा ना, ये वाला टी साइन थीटा और अपना टी साइन थीटा, ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, और ये जो कंपोनेंट थे अपना टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा, ये दोनों बैलेंस हो गए। इसीलिए हमने बोला कि पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। हाँ भाई, और स्टार्ट करें वर्क पावर। यस सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क पावर और एनर्जी, उसके बाद में वर्क। क्या पता है वर्क के बारे में? हमने जब वेक्टर किया था, वेक्टर के अंदर स्केलर प्रोडक्ट जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था वर्क का। यस, कौन बताएगा अगर किसी को याद है तो? सर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। बेटा तुम्हारा आवाज इतना धीमा आता है, नहीं तो एक लेक्चर में तुम एक डेफिनेशन ही बता पाओगे पूरी। इंटरनेट वीक है सर उसका भी। हाँ तो इंटरनेट का कुछ करो भाई, ऐसे काम कब तक चलेगा? क्योंकि देखो मेरे को लग रहा है लॉकडाउन तो बढ़ने वाला है, और जैसा माहौल लग रहा है सर। हाँ, मुंबई के अंदर क्या सीन है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज ही आ रही है बस सर। एम, हाँ, कॉस थीटा। यस, ओके। तो हम जो वर्क होता है उसकी बहुत अच्छे से अपने वो बनाते हैं डेफिनेशन। हम कहते हैं कि वर्क डन। सर नाम क्या है लेसन का? पॉइंट पावर एनर्जी। अब सुनो, अब तुम है ना 8 साल के बच्चे नहीं हो कि सर आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी, फिर हेडिंग लिखोगे, उसके नीचे सब टॉपिक बनाओगे, टॉपिक बनाओगे, है ना? लिखो, अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा वर्क, अभी हम करेंगे वर्क। 3-4 दिन तक तो अपना यही चलेगा, वर्क ही चलेगा, फिर अपना एनर्जी आएगा, फिर अपना एनर्जी करेंगे 3-4 दिन तक। तो ये हेडिंग है, दिस इज ओनली टॉपिक, टॉपिक इज वर्क। तो वर्क को हमने क्या किया डिफाइन? देखो, सपोज ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, कोई एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मतलब उसके पास मास तो होगा ही, मास होना चाहिए, ठीक है? क्यों होना चाहिए मास बताओ? हाँ भाई, किसी ऑब्जेक्ट के पास मास जीरो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसकी, अगर इसका मास है ही नहीं, फोर्स जीरो हो जाएगा अगर मास रहेगा। हाँ, यस, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं है तो उसके ऊपर फोर्स को जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास में कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एफ, ठीक है? और सपोज इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया dr, नाउ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ये सपोज ये हमारे पास में एंगल है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा कि वर्क डन बाय फोर्स f, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे इज, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो, ठीक है? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा स्मॉल वर्क डन। हमको नहीं पता कि एंगल बाद में कॉन्स्टेंट है कि नहीं है,
तो स्मॉल वर्क डन विल बिकम फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट अपना वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास में वर्क का डेफिनेशन। अब देखते हैं फोर्स क्या होता है, न्यूटन है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर 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 न्यूटन मीटर। इफ आई टॉक अबाउट यूनिट ऑफ वर्क तो ये मेरे पास में बन जाएगा जूल, नहीं न्यूटन मीटर सर, न्यूटन मीटर। तो इसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए नहीं, जस्ट एक एक सेकंड के लिए। हाँ एक सेकंड के लिए बस ऊपर स्क्रॉल कीजिए बस बस। हाँ और ये अबे और कितना ये, हाँ बस बस हो गया हो गया। हाँ और ये जो चीज है ना, और न्यूटन इनटू मीटर जो है, न्यूटन डॉट मीटर, इसी को हम बोलते हैं जूल। तो और जो जूल है वो हमारे पास में एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जब भी कोई बोलता है कि कितना वर्क किया तो हम हमेशा बताते हैं जूल में बताते हैं। और जूल में बताने के लिए जो वर्क है वो हमारा किस में होना चाहिए, नहीं जो फोर्स है फोर्स और न्यूटन में होना चाहिए, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दैट हैज टू बी इन मीटर। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी बातें करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के ना वेक्टर के अंदर आ जाते हैं वापस। हमने लिखा कि जो वर्क है, वर्क बेसिकली हो सकता है फोर्स इनटू नाउ डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल स्मॉल को भूल जाते हैं। ओके, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एफ डॉट डी का, एफ डी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड ये क्या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट कॉस थीटा कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। तो किसी भी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। ओके, नेगेटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज अब ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 टू 90 के बीच में, लेस देन 90 डिग्री। और अपना जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने लेके आता हूं अभी, सबसे सिंपल जो एग्जांपल होगा। सपोज ये हमारे पास में एक ये है, एक पार्टिकल है मास m, ठीक है, इसको मैं ऐसे लेकर जा रहा हूं, ये यहां की तरफ जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले यहां पे था एंड आफ्टर सम टाइम ये यहां पे आ गया। तो ये यहां पे मैंने बोला t इक्वल टू जीरो और यहां पे हो गया तुम्हारे पास में t। ठीक है, ओके, इफ आई आस्क यू वर्क डन बाय ग्रेविटी, जीरो। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो जो ग्रेविटी है कहाँ की तरफ एक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि जो हमारा एमजी फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है नीचे, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो यहाँ की तरफ हुआ है, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, एमजी इंटू डी इंटू कॉस 90 मतलब जीरो। तो इफ यू आर मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल थिंग वर्क डन इज जीरो, है ना। ठीक है, और बताओ ये जो तुम्हारे पास में एक ब्लॉक है इसका
मास सपोज है 2 kg, मैं इसको ऊपर खींच के लेके जा रहा हूं, मैंने सपोज इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा क्योंकि इसको उठाने के लिए कितना चाहिए तुमको फोर्स? 20 न्यूटन. व्हेनेवर योर फोर्स इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन यू विल बी अप. तो चलो देखते हैं. तो मैंने इसको किया, ये मेरे पास में अपना ग्राउंड है, यहाँ पे रखा हुआ था, इसको मैंने बोल दिया टी इक्वल टू जीरो, मास कितना है 2 kg, ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया कितना 50 न्यूटन. अब मैं इसका अपने को डायग्राम बनाना है आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकेंड, कहाँ पे होगा ये? यहाँ पे मैंने बोल दिया टी इक्वल टू, तो पहले बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं लिखूंगा कि 50 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस पार्टिकल का अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 सेकंड में? ये यहाँ से कितना ऊपर है ना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा? 30 मीटर. तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे ut plus half at square, ठीक है ना? तो हमारा जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाएगा? 0 plus half into acceleration कितना है? 15 into 2 का square. So that means 30 meter. तो पार्टिकल जो है वो 30 मीटर ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया. अब मैं निकालता हूं. तो पहले मैंने निकाला वर्क डन बाय F, इसको मैंने बोला हुआ है F, क्या आएगा? तो वर्क डन बाय F में क्या लिखोगे? फोर्स कहाँ लगा रहा है? ऊपर. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ है? ऊपर. ऊपर. तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 degree, है ना? मैंने लिखा तो फोर्स कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट 30 इंटू कॉस 0 degree, तो कितना आएगा? 1500 जूल. सिंबल फॉर जूल इज कैपिटल डे. अगर इसी के अंदर मैं लिखना चाहूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो अब -300 कहां लग रहा है ग्रेविटी? हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे देखो, यहां पे कहां लग रहा है mg फोर्स? नीचे. यहां भी कहां लग रहा है? नीचे. तो पार्टिकल पे mg फोर्स तो नीचे लग रहा है, बट पार्टिकल इज गोइंग अप, तो उनके बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री. तो अपने mg फोर्स की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड कितना है? 20 इनटू g की वैल्यू, नहीं 20 फोर्स होगा. हाँ, वो तो उसी के अंदर आ गया ना mg. 20 yes, का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 cos 180 डिग्री. तो cos अपना 180 कितना होता है? -1, तो कितना आएगा? -600 जूल. तो देखो वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी जीरो. यू हैव टू स्पेसिफाई दैट किसका वर्क निकालना है तुमको और कौन से ऑब्जेक्ट पे निकालना है. सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है? Yes. हाँ भाई सर. Yes, sir. हाँ. सर, हाँ, 20 और 30 दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहे हैं ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना. अरे तो फॉर्मूले में क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा. तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना सर. समझा. यस सर. इसलिए ओके. आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, बट जो फोर्स जो है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट फोर्स. बाद में हम करेंगे वेरिएबल फोर्स से कैसे निकालते हैं, ठीक है? ओके. तो हमने अब तक जो जो फोर्स हमने अब तक स्टडी किए हैं तो सबका निकालते हैं. सबसे पहले हमने कौन सा फोर्स पढ़ा था? ग्रेविटेशन. ग्रेविटी. हाँ, ग्रेविटी की हमने किया था, ठीक है? तो ओके, तो ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय द जो जो अपना ग्रेविटी होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव?
सब कुछ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। मैं तो तुमको सारे एग्जांपल दे देता हूँ एक ही लाइन के अंदर। ये हमारे पास में है एक ऑब्जेक्ट मास m, अगर ये यहां से उठकर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये उसका इनिशियल है, ये उसका फाइनल, ये उसका इनिशियल पोजिशन, ये उसका फाइनल वन, ये h, तो मैंने यहां पे लिखा w1, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट। यू हैव टू स्पेसिफाई ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इसके ऊपर mg फोर्स कहां लग रहा है, नीचे mgh, तो mgh, यहां पे तुम, यहां पे तुम्हारे पास mg लग रहा है, लेकिन तुम्हारा जो अपना डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो ऊपर की तरफ, कितना आएगा, माइनस mgh, राइट, ओके। अगर मैंने पार्टिकल को यहाँ पे रखा हुआ था और पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये अगर हमारे पास में इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे पास में फाइनल है, तुम यहाँ से यहाँ पे आ गए, इस साइड को एच बोल दिया, इस केस में कितना आएगा, MgH W2, बट यहाँ पे कहोगे कि तुम्हारा जो फोर्स है वो भी यहाँ पे लग रहा है, नीचे लग रहा है, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे हो रहा है, इस केस में एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, तो mg h, ठीक है। इफ आई एम मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने ये यहाँ पे गया था इस केस में, तो अपना 0 है ना, zero. तो ये मेरे पास में नेगेटिव, ये मेरे पास में पॉजिटिव, and if one object is moving here, तो मैं लिखूंगा W3 same direction zero, इसके अंदर theta is 90 degree because mg force यहाँ लग रहा है, yes sir, particle मेरा यहाँ जा रहा है, okay sir, हाँ sir, और कोई समझो horizontal पर अगर external force हुआ तो, हाँ तो उसका work done आएगा ना, gravity का थोड़ी आएगा फिर वो, जैसे यहाँ पे हमने उसका निकाला ना कि उस फोर्स का वर्क डन कितना था, ग्रेविटी का, तो अच्छा अलग आएगा, तो जब भी हम लिखूंगा वर्क डन, तो आई हैव टू स्पेसिफाई, ये देखो वर्क डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, कौन से फोर्स का, कौन से ऑब्जेक्ट पे, ओके सर, तो यहाँ पे अगर तुम और अच्छा बनाओ, तो ये जो मैंने लिखा है ना कि अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब हम तो मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा है ना रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आएंगे तो हमको को पता लगेगा कि अलग अलग हो जाता है कहीं कहीं पे, तो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इतना समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यस यस। चलो तो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, सपोज एक हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, ये तो हाँ, ये हमको हाइट दी हुई है एच, ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, एक पार्टिकल यहां से गया और यहां पे आ गया, ये ए ये बी, मास एम, बताओ फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन गोइंग फ्रॉम A टू B, बताओ क्या आएगा, माइनस एम जी बाई टू, नो स्क्रोल अप करो राइट साइड में, ये वाला, हाँ बस,
हाँ बताओ भाई सर माइनस टू एम जी एच कॉस थीटा नहीं साइन थीटा नहीं सर नहीं नहीं कैंसिल तो अपने आप ही अपना आंसर कैंसिल कर ले भाई ये सही है काम है सर माइनस एम जी एच बाय फोर हाँ माइनस एम जी एच बाय फोर नो सर माइनस अगर मैं लेंथ को एल लिया तो अरे अपने को नहीं पता मेरे को आंसर चाहिए जो मैंने सामने लिखे हुए हैं उन चीजों के फॉर्म में आंसर चाहिए सर माइनस टू एच एम जी माइनस टू एच एम जी नो सर एम जी एच सर एम जी एच एम जी हाँ सर मेरा भी वही है एम जी एच बाय फोर रॉन्ग एम जी एच हाँ तो माइनस एम जी रूट थ्री बाय फोर आएगा नो कैसे कर रहे हो तुम्हारा आंसर सर माइनस रूट थ्री एम जी एच नो सर माइनस एम जी एच बाय फोर ही आ रहा है सर मेरा प्लस एम जी एच बाय फोर शाबाश माइनस है नहीं हाँ सर माइनस माइनस अलग अलग साइड नहीं 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 वो भी गलत है ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइनस एम जी एच किस किस का आया है सर मेरा 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 माइनस एम जी एच बाय फोर भी आया अरे यार फिर यार मैं ऐसे कैसे फिर आ गया जब मैं बोल रहा हूँ कि माइनस एम जी एच किस किस का आया है बस उतने लोग बोलो सर मेरा सर मेरा आया ओके माइनस एम जी एच बाई टू किस किस का आया मेरा तो बेवकूफ और आओ माइनस एम जी एच बाई फोर किस किस का आया सर मेरा आया बहुत बड़े वाले बेवकूफ मेरा भी आया तुम उससे ही बड़े मेरा भी आया हाँ माइनस रूट थ्री बाई टू एम जी एच किस का आया कोई है थे सर कुछ जन माइनस रूट थ्री एच बाई फोर किसने तो बोला था वो मेरा सिर्फ माइनस रूट थ्री एम जी एच आया था बाई टू नहीं था ओके 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 चलो देखते हैं सुनो एक बात बताओ मुझे ये ब्लॉक यहां से यहां गया ठीक है तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स कहां लग रहा है अपना ग्रेविटी वाला डाउनवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये हमारे पास में लग रहा है फोर्स वेक्टर तो पहले तो एंगल निकाल लें इन दोनों के बीच में एंगल कितना है तो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है इनके बीच में एंगल मुझे बता दो कितना है यार 120 डिग्री तो ये एंगल अगर 30 है ठीक है तो ये एंगल 30 तो कंप्लीट एंगल मेरा कितना हो जाएगा 120 ठीक है अब पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि मुझे अगर वर्क डन बाय अपना ग्रेविटी निकालना है ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कितना हो जाएगा फोर्स वेक्टर इनटू अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू और दोनों के बीच के एंगल का कॉस अब मैं देखता हूँ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास एम है तो अब ग्रेविटी उसके ऊपर कितना फोर्स लगाती है एम जी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ये वाली लाइन ये अगर तुमको दिया हुआ है h ये एंगल अगर 30 दिया हुआ है तो यहां से टू एच हो जाएगा ना डायरेक्टली हाँ सर 2h साइन 30 कितना होता है हाफ तो ये आएगा 2h तो हमारा जो अपने डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 2h हमारे पास में एंगल कितना है 120 डिग्री अब तीनों को पुट कर दो क्या आएगा m जी 2h cos 120 माइनस हाफ तो माइनस एम जी एच वर्क डन बाय ग्रेविटी अब बताओ यहाँ पे तुम्हारा रूट थ्री बाई टू और ये वो कहां से आ गया
डिस्प्लेसमेंट भाई तुम्हारे पास कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, पार्टिकल जिस पाथ के अलोंग जाना है हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन है ऊपर, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल जो पोजीशन है उनको मिला दिया तो ये हमारे पास में क्या बन गया डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने कहते राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया सर। हाँ सर वो ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री होगा ना, कैसे मतलब होगा होगा मतलब सर ये 30 है तो 60 होगा ना, ये 30 है तो ये भी 30। नहीं 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 सर वो नहीं, मतलब ट्रायंगल के ऊपर वो है। हां हां ऊपर वाला 60 होगा। हाँ तो फिर सर उसको h cos 60 नहीं लिख सकते हो d को? नहीं नहीं h उसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं होता। अबे यार तू कुछ तो सोच ना, कहते मैं हाइपोटेनियस है वो डायग्राम में दिख नहीं रहा क्या? अरे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आता है? हाँ तो बता ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये h है तो ये कितना होगा हाइपोटेनियस? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। भाई लगा ट्रिग्नोमेट्री तो सपोज इसको तूने बोल दिया x, तो इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखेगा, h / x इक्वल टू क्या आएगा sin 30, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2h। अच्छा हां हां ऐसे ऐसे मत कर यार, सर्कुलर मोशन खत्म हो गया है अभी भी तो ऐसे ही अटका हुआ है, नहीं लग रहा था। सर उसमें त्रिगो कहाँ लग रहा था इतना ज्यादा? नहीं भाई अगर निकाला उसने, अगर किसी को लगाना है तो लगा दो, लगाने आना हाँ, चाहिए। ठीक है चलो, तो ये तो हमारा पहला हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ओके और कौन सा फोर्स हमने पढ़ा सर? यह टेंशन ग्रेविटी है तो आपने, लेकिन आप ही कॉम्पोनेंट बन गए ना। ठीक है सर, तब मैग्नीट्यूड ही जाएगा। ठीक है सेकंड वर्क डन बाय टेंशन, किसने बोला था जीरो होता है? सर समीशन जीरो होता है ना, ऑन द होल सिस्टम कितना होता है जीरो होता है, लेकिन इंडिविजुअल तो आ सकता है ना, एक सिंगल लेंगे तो हो सकता है। तो हम देखते हैं अभी, बताओ क्या बोल सकते हैं सर? हमेशा पुल करता है फोर्स सर, जीरो नहीं होगा। देखो नहीं, पहले बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जीरो होगा? सर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं होगा। चलो देखते जीरो भी चलो हो देखते सकता हैं, है स्टेशनरी देखते हैं, देखते हैं। सपोज हमारे पास में ये एन पुली है, ठीक है, इसका मास है एम, इसका मास है 2m, ठीक है, इनको यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था इनिशियली। सपोज इसके ऊपर लग रहा है टेंशन टी, इसके भी ऊपर लग रहा है टेंशन टी, अगर ये ब्लॉक यहां से ऊपर गया, सपोज इसको मैंने बोल दिया L, तो ये नहीं ये ऊपर जाएगा, तो ये जो ब्लॉक है कितना नीचे आएगा? L भाई उतना ही नीचे आएगा ना, हाँ भी मानते हो? यस। इस ब्लॉक को मैंने बोल दिया A, इस ब्लॉक को मैंने बोल दिया B, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस, वर्क डन by tension on block A, तो उसको मैंने बोला W1, तो पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो तुम्हारा ब्लॉक है इसके ऊपर कहां लग रहा है टेंशन फोर्स? ऊपर। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? T।
टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एल 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 और उनके बीच में एंगल कितना है जीरो क्योंकि वो तो ऊपर ही है ना एक ही तरफ है दोनों तो तुम्हारे पास में वर्क डन क्या बन गया टी इनटू एल कैसा आ गया पॉजिटिव अब मैं लिखता हूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक बी माइनस अब इसमें देखते हैं इसमें अगर देखोगे तो फोर्स कहां लग रहा है ऊपर क्योंकि टेंशन फोर्स इज ऑलवेज एन पुलिंग फोर्स लेकिन पार्टिकल कहां पे आ रहा है नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ हो रहा है नीचे तो तुम जब डब्ल्यू टी लिखोगे तो टी इनटू एल इनटू कॉस 180 डिग्री तो क्या बन जाएगा माइनस टी इनटू एल ये कैसा आ गया नेगेटिव तो वर्क डन बाय द टेंशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है और अगर मैं यहां पे लिखूं कि ऑन होल सिस्टम क्या बन जाएगा होल सिस्टम क्या बन जाएगा जीरो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू जीरो ये हमने कहां पे किया हुआ है वर्चुअल वर्क मेथड में किया था हमने सर दोनों मास इक्वल लेंगे तब इंडिविजुअल भी जीरो हो जाएगा तो इंडिविजुअल भी जीरो हो जाएगा फिर भाई अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होना ही है मैं तो कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट हो तो भी हेलो सर ओके फाइन हाँ भाई सर आपका ऑडियो सर म्यूटेड था सर शायद सुनाई नहीं दिया आपने नहीं नहीं ठीक है इतना ही बोला था मैंने हाँ भाई इतना क्लियर है टेंशन का हाँ यस सर हाँ सर अब एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ सर्कुलर मोशन में हमने क्या किया था कौन सा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या मतलब होता है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन एक सर्कल में घूम रहा है एंड उसका ओमेगा कांस्टेंट उसका ओमेगा कांस्टेंट है तो यहां पे देखते हैं सपोज एक पार्टिकल है इसका मास है एम और ये यहां पे ओमेगा से घूम रहा है इसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है बताओ एम स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर m omega square तो t जो है that is m r omega square क्योंकि यही फोर्स तुम्हारे पास में सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है अब अगर हम पूछूं कि वर्क डन बाय टेंशन तो क्या आएगा जीरो जीरो क्यों क्योंकि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो कहां की तरफ होता है टेंजेंशियल होता है ना यहाँ की तरफ होता है वेलोसिटी एंगल 90 डिग्री होता है तो हमको पता है कि जहां हमारा वेलोसिटी होता है उधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है yes. ठीक है तो देखो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये यही हमारा क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री अच्छा तो फोर्स देखो यहाँ पे फोर्स भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है स्टिल हमारा वर्क डन कितना है जीरो बिकॉज तो हम एंगल जीरो हम बोलेंगे कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और यहां पे एक स्टार मार्क के लिख लो कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है दैट इज ऑलवेज अ टेंजेंशियल तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच में एंगल हमेशा ही कितना होगा 90 डिग्री तो उनका जो वर्क डन आएगा दैट इज ऑलवेज जीरो नहीं और 90 डिग्री तो वर्क डन हमेशा ही क्या बन जाएगा जीरो हाँ हाँ भाई क्लियर है किसी को कुछ डाउट No, sir. स्लो मोशन में क्यों बोलता है सर इंटरनेट गया इंटरनेट सर
फिर से गया, ठीक है ओके। और कौन सा फोर्स हमने पढ़ा भाई? नॉर्मल। हाँ चलो बताओ इसका वर्क डन कैसा आएगा? सब कुछ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पहले बात करते हैं, सपोज एक स्क्रॉल अप करूं, हाँ स्क्रॉल अप करूं, स्क्रॉल अप करूं, डन सर ओके। ये हमारे पास में है एक बॉक्स जिसको मैंने एक एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ओके। अगर मैं सरफेस को ऊपर लेके जा रहा हूं और मैं इस सरफेस को उठा के मैं यहां लेके आ गया, मैं इसको यहां से यहां पे ले गया, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है डी, तो बताओ अब मैं यहां पे अगर पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल, तो पहले हम देखते हैं कि इस सरफेस ने इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगाया वो कहां की तरफ लगाया? ऊपर की तरफ, है ना भाई। नॉर्मल फोर्स हमेशा ही सरफेस के कैसा लगता है? परपेंडिकुलर। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कहां की तरफ हुआ है? ऊपर की तरफ। तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या बन जाएगा? एन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस जीरो, तो क्या बन जाएगा? एन इनटू डी, तो कैसा बन गया? पॉजिटिव। अगर इस चीज को मैं उल्टा कर दूं तो सपोज ये हमारे पास में मास एम है, इसको मैं यहां लेके आ गया नीचे, माइनस एम जी। अरे हमको क्या पता उसकी वैल्यू एम जी है नॉर्मल की, हमको नहीं पता ना। तो इसमें ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, और हम कहां पे लेके आ गए उसको? नीचे। इस केस के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? n इनटू d इनटू cos 180, तो माइनस n इनटू d। जीरो वाला एग्जांपल बताओ सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये यार देखो अगर, तो अगर हवा में, सर हवा में डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ ही नहीं नॉर्मल कैसे लगेगा? अरे सुनो सुनो, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है फिर तो वर्क डन जीरो होगा ही होगा, अगर तुम्हारा फोर्स जीरो है तो भी होगा। मैं कह रहा हूं कि ये डिस्प्ले स्लाइड कर रहा है। यस सपोज तुम्हारा एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, सपोज ये तुमको दिया हुआ है फिक्स, ये एंगल थीटा, ये ब्लॉक ये यहां से स्लाइड करता 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 यहां पे आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क बाय नॉर्मल तो क्या बन जाएगा? जीरो, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री। देखो ना ये पार्टिकल है, इसके ऊपर यहां लग रहा है नॉर्मल ना, और पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट है वो कहां हो रहा है? वो यहां हो रहा है ना, इस लाइन के अलोंग हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई, यस सर, फाइन, दिक्कत किसी को कुछ? तो चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, सपोज एक वेज है, ये एंगल थीटा है, ये मास, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा रखा है F, ठीक है, और फोर्स इज सच दैट M डज नॉट स्लिप ऑन वेज, ठीक है, इसका मास कैपिटल M। तो हमसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय, सर स्मूथ है, हाँ हाँ स्मूथ है, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन स्मॉल एम, स्मॉल एम क्यों इन 2 सेकेंड,
ये हमको निकालना है। चलो करो, हाँ भाई आंसर सर, एक मिनट सर, बहुत लंबा आंसर है। क्या आंसर आया सर? फोर डिस्प्लेसमेंट आया 4f/m तब, और उसके साथ नॉर्मल का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया, mg cos theta plus fm sin theta by capital m plus m। ओके सर, मुझे डिस्प्लेसमेंट 2f by m plus m आया, और भाई बाकी नॉर्मल अपना mg cos theta कैसे आएगा क्योंकि रहता है ना? नहीं नहीं नहीं, हमारे आंसर में ये तो आएगा ही नहीं, f तो आएगा ही नहीं, हमारे आंसर में चाहिए। पहले मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? वो एक्सेलरेशन को g tan theta ले सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2g square tan square theta into m plus m i। भाई हम ये देखो ना कंडीशन, m does not slip on wedge, so if m is not slipping on wedge that means the acceleration should be g tan theta, इसका g tan theta होना चाहिए और इसका भी कितना होना चाहिए? g tan theta ही होना चाहिए, so that इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। ओके अब मुझे बताओ, ये देखो सपोज यहाँ पे लग रहा है तुम्हारे पास में फोर्स लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, राइट? तो जी टेन थीटा कैसे है?
बेटा फोर्स एंड लॉज में किया था ना, न्यूटन्स लॉज मोशन के चैप्टर में नहीं किया था कि एक वेज के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, इसका एक्सेलरेशन क्या? याद रखने बोला था ना मैंने, याद रखने बोला था स्पेशली बोला था मैंने, याद वो हां सर, नहीं नहीं तू हां सर याद है सही में यार, च्यवनप्राश खाया करो हां खाना चालू किया। तो देखो ये हमारे पास में है, ये है ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया एक ब्लॉक को, इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो एमजी फोर्स लग रहा है यहाँ की तरफ और सर तीन लग रहे हैं ऊपर, एक नॉर्मल और एक सूडो फोर्स। नहीं ना सूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो। हाँ तो सर आगे की तरफ हम बस रिजल्टेंट उसका निकाल सकते हैं कि उस तरफ आगे की तरफ इन अपना इनर्शियल फ्रेम ये होना चाहिए, और मुझे पता है कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ जो एक्सेलरेशन कितना है जी टेन थीटा। अगर यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन और जी टेन थीटा है मतलब कि वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसके अंदर ये एंगल थीटा तो ये थीटा मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मेरे पास फोर्सेज है वो अनबैलेंस होने चाहिए, दैट मीन्स एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी mg by cos theta, ये आ गया मेरे पास में नॉर्मल। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, अगर तुम्हारा इस लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है तुमको दिया हुआ g tan theta, तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड में, कौन सी इक्वेशन आएगी सर? हाफ प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ g tan theta into अपना 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2g tan theta, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बन गया, ये मेरा फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा फोर्स, और इनके बीच में एंगल कितना है? अब अपने एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है फोर्स वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये है ना अभी है तो, yes, वर्क, तो मैं लिखूंगा स्पेसिफाई करूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन स्मॉल एम ब्लॉक, तो क्या बन जाएगा फोर्स कितना है एम जी बाई कॉस थीटा, अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है 2g tan थीटा इंटू कॉस, उनके बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये एम जी ठीक है बाय कॉस थीटा इंटू 2 tan थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। तो कोई तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, बताओ सर जी स्क्वायर आएगा mg में भी हाँ जी स्क्वायर, जी स्क्वायर हाँ जी का भी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हर क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ना कुछ है ना घुमा के पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे कि ये फोर्स है ये है वो है कर करा के नक्की करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, देयर विल ऑलवेज बी सम कैच इन द क्वेश्चन। हाँ क्लियर है भाई? यस यस। कुछ डाउट किसी को इसके अंदर? कोई भी सर दूसरे ब्लॉक का क्या? हाँ उस दूसरे वेज का क्या? हाँ उसका तो पूछा ही उसका क्या? हाँ तो मैंने तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन स्मॉल एम, कैपिटल एम पे करोगे तो क्या आएगा नेगेटिव में आ जाएगा यही चीज, सेम चीज नेगेटिव। भाई देखो ना इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल या यहाँ की तरफ लग रहा है ना नॉर्मल, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा 180 वाला। तो भाई देखो जिस ऑब्जेक्ट पे पूछा है उसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लिखो, उसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लिखो, और फिर एंगल फाइंड करो और फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है कोई इशू नहीं आएगा।
चलो आगे आते हैं। उसके बाद हमने कौन सा फोर्स पढ़ा था? बताओ भाई। स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। लेकिन एक काम करते हैं, फ्रिक्शन के दो पार्ट कर लेते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर काइनेटिक। चलो बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो? दोनों नहीं, जीरो नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले सोचो फिर बोलो। सर जीरो। जीरो नो तीनों सर। रेस्ट पे स्टैटिक का जीरो होगा ना? नहीं, पॉजिटिव रहेगा। सोचा था ना, तुक्के मत मारा कर। तुक्के नहीं, कुछ भी हो सकता है। ओके स्नेहा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना सर? अरे यार, तो क्या हुआ? ये मैं सोच क्वेरी रेस्ट पे सोच 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 सोच। ओके देवांश जोशी, हाँ भाई क्या आएगा देवांश, बताओ तुम क्या सोचते हो? जीरो होगा सर। ओके नूतन, सर नेगेटिव। ओके संजना, पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं सर, तीनों हो सकते हैं। देखो चलो पहले तो देखते हैं किसी सिस्टम के अंदर। अरे रुको तो, सब्र करो सब्र। जैसे ये हमारे पास में एक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट मैंने इसके ऊपर। सपोज मास ये m1, ये m2, इसके ऊपर मैंने फोर्स f लगाया और इनके बीच में अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और मैंने तुमको स्पेसिफाई कर दिया है कि नो स्लिपिंग बिटवीन m1 एंड m2। मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन काफी है, एंड दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी m1 और m2 का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, राइट? इसका मतलब ऐसे हुआ ना कि इसका एक्सेलरेशन भी ए है और इसका एक्सेलरेशन भी ए है, है ना? रिलेटिव एक्सेलरेशन इनका कितना हो गया? जीरो। ओके सर, ऐसे में हमारे दोनों केसेस हो गए कि पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे वाले पे नेगेटिव ऊपर वाले पे पॉजिटिव, सब कुछ एक साथ ही कर दूंगा देखना। m1 m2 सपोज तुम्हारे आफ्टर सम टाइम तुम यहां पे आ गए, अगर दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हारे पास में हुआ है डी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? डी होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेम, है ना? एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वो देखते हैं डायरेक्शन। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे, और नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे। पीछे तो अब मैं लिखता हूं वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक एम वन। बताओ क्या आएगा? फोर्स कहां लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? हाँ भाई, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उनके बीच में एंगल कितना है? जीरो डिग्री। तो क्या आएगा? एफ इंटू डी। तो हमने लिख दिया कि वर्क डन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम चीज मैं लिख रहा हूं एम टू पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एम टू। फोर्स कहां लग रहा है? पीछे, बैकवर्ड। ब्लॉक कहां जा रहा है? आगे, फॉरवर्ड। तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? माइनस एफ। कैसा आ गया? नेगेटिव। अगर हम बोलू कि ऑन होल सिस्टम जीरो, ऑन होल सिस्टम क्या बन जाएगा? जीरो।
तो देखो पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया। सर ऐसा हर इंटरनल फोर्स के लिए रहेगा ना? हर इंटरनल फोर्स, देखो कोई भी इंटरनल फोर्स हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, अगर वो इंटरनल फोर्स है ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो क्या बनेगा? जीरो। जीरो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट, ऑन होल सिस्टम, और क्या कहते हैं तुम, सिस्टम किसको बोलेंगे? जिन दोनों सरफेस के बीच में वो फोर्स लग रहा है उसको सिस्टम में लेना है, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क विल बी जीरो। ठीक है, किसी एक पे पॉजिटिव होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव होगा, और उनका समेशन क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। फाइन, काइनेटिक की बात करते हैं। काइनेटिक का तुम अपने आप ना करके आओ, उसका मुझे एग्जांपल दिखाओ, पॉजिटिव का एग्जांपल दिखाओ, नेगेटिव का एग्जांपल दिखाओ, और स्क्रॉल अप करो मैं। हाँ बस, यस सर। पर वो नीचे वाला ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा ना? अरे इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ ना मैं तो। अच्छा हाँ भाई, जब तक इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा ना। यस। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, तो इसके मुझे एग्जांपल तुम लेके आओ, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और जीरो का, ये तुम्हारा होमवर्क है। वही वही सब कुछ करके लाना और मुझे बताना कि उसके अंदर तुम्हारा ना रिजल्ट क्या आता है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो चैप्टर हमने किया है, इसके अंदर अभी हमने इतना कुछ नहीं किया, इजी इजी चीजें की हैं, तो इसको तो बस ना रिवाइज करना है। सर्कुलर मोशन का होमवर्क मुझे चाहिए वेंसडे को, नहीं तो बैठने नहीं दूंगा क्लास में। ठीक है, ओके चलो जाओ, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। हाँ अभी तो इतना कुछ बोलोगे, जब मैं होमवर्क के लिए बोलता हूँ तो किसी की आवाज नहीं निकलती है।